आप सभी को राम राम। आज हम बिना लहसुन प्याज के एक टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, ये 2 कप आलू हैं। अगर हम कप में डालकर देखेंगे, आलूओं को हमने छील करके धुल लिया है अच्छे से और काट लिया है टुकड़ों में। 1 कप भरकर फूल गोभी है, 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। मटर के दाने हैं 1 कप। कुकर में डालेंगे सबको और 1 ही कप इसमें हम पानी डालेंगे। हल्दी डाल देंगे ज़रा सा, आधा छोटा चम्मच, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ढक्कन लगाएंगे और इसे पकने देंगे, सीटी आने देंगे। 2 सीटी लगाएंगे हम। जब तक कुकर में सीटी आ रही तब तक यहाँ पर हमने 4 टमाटर ले लिए हैं धुल करके। टमाटर को हम काट लेंगे और इसके अंदर का जो बीज है उसे हम हटा देंगे। बीज अलग करने के बाद सारे टमाटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेंगे, धुल लेंगे। धुल करके उसका बीज निकाल देंगे अंदर का, और इसको भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे रख देते हैं एक साइड। गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और 1 चम्मच इसमें देसी घी या फिर बटर डाल देंगे। गलने देंगे इसे। टमाटर डाल देंगे इसी में। टमाटर के साथ ही नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। एक छोटा चम्मच कद्दूकस की भी अदरक डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे इसी में। इसके साथ ही साथ इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी। मिक्स कर देंगे एक बार। आंच को मीडियम कर देंगे, उसके ढक देंगे ताकि शिमला मिर्च भी हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे हम पकने देते हैं शिमला मिर्च को। तब तक हम कुकर पर ढक्कन खोलेंगे। 2 सीटी आ चुकी है अच्छे से, और ये हमारी सब्जियां सारी अच्छे से पक गई हैं। तो इसे हम कलछी से थोड़ा मैश कर देंगे। कुकर को हम एक साइड रख देते हैं। चलते हैं देखते हैं शिमला मिर्च हमारी पक चुकी है नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। शिमला मिर्च भी हमारी पक चुकी है और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए, और 2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला है, इसको डाल देंगे इसी में। मिक्स कर देंगे। कुछ सेकेंड हम मसालों को भून लेंगे। मार्केट वाले तो इसमें कलर के लिए, रेड कलर लाने के लिए कलर का इस्तेमाल करते हैं, पर ये हम घर में बना रहे हैं खाने के लिए, तो हमने कोई कलर नहीं डाला है। फिर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। आपके पास चुकंदर हो तो चुकंदर डाल दीजिए, उससे भी बढ़िया कलर आ जाता है। मेरे पास नहीं है इस समय तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मसाला हमारे पास गया है तो इसमें सब्जियाँ हम डाल देंगे। इसमें नमक पहले से ही डाल रखा था, इसलिए नमक नहीं डालेंगे हम। मसाले और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा कप के करीब पानी लेंगे गरम, क्योंकि कुकर में सब्जियां लगी हुई हैं तो मैं गरम पानी ले रही हूँ। पानी को कुकर में डालेंगे और धुल कर इसी पानी को हम सब्जी में डाल देंगे। मिला देंगे, आंच को मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर हम इसे 1 मिनट और पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, आपके पास हो तो, नहीं तो मैं तो यहाँ पर सिरका डाल रही हूँ थोड़ी खटास लाने के लिए। 1 टेबल स्पून सिरका डाला है मैंने इसमें, और 1 चम्मच ऊपर से हम डालेंगे बटर या फिर घी। सब
लास्ट में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। बिना लहसुन प्याज की भाजी हमारी बनकर तैयार है। इसे मिक्स साइड रख देते हैं। हम गैस पर तवा चढ़ाएंगे और तवे पर डालेंगे घी। एक चम्मच भाजी इस पर डालेंगे। हम पाव को बीच से कट कर लेंगे दो भागों में। भाजी के ऊपर ही रखकर इसे सेक लेंगे और ज़्यादा नहीं सेकना है, बस तुरंत डालिए और तुरंत हटा लीजिए अलट पलट कर आगे पीछे। पाव भी हमारा तैयार है और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पाव भी तैयार कर लेंगे। अगर आप बिना प्याज के नहीं खा सकते हैं तो आप इसमें प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये हमने बिना प्याज और लहसुन के बनाया है तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया है तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए।